मैंने ये ऑन किया, फ्यूल सेवर मोड यहाँ पे ऑन हो गया है, ये ए दिखाता है, ये फ्यूल सेवर मोड ऑन हो गया वन, और ये गाड़ी बंद हो जाएगी। को क्या करना है उसके बाद, ये बेस्ट फीचर है, ये दिख रहा है अप्लाई ब्रेक एंड थ्रोटल ब्लिप। अब आपने क्या करना है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ब्रेक अप्लाई करना है, हल्का सा थ्रोटल देना है, और ये गाड़ी स्टार्ट। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और आज मैं आपको स्पीडोमीटर का डिटेल वीडियो दिखाने वाला हूँ। बाकी हमारी एंटॉर्क एक्सटी खड़ी है, जो मेरे पास मेरे पे वेरिएंट है 2023 का न्यू मॉडल, और हम स्पीडोमीटर का टेस्ट करने वाले हैं, क्या क्या जानकारी होती है इसमें वो देखने वाले हैं। बाकी आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहे, और मैं आपको अच्छी अच्छी डिटेल्स देता रहूँगा कि कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या नए फीचर्स ऐड करे हैं TVS वालों ने XT में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए इसे ऑन करते हैं, ये ऑन करिए, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है, सारी की सारी डिटेल्स ये देख सकते हो आप, और ये यहाँ पे फोटो दिख जाती है, यहाँ पे स्ट्रीट मोड में है सागर राइडर करके भी लिखाता है, मैंने सेव किया है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाली डिस्प्ले से, धीरे धीरे करके पहले अंदर की डिस्प्ले पे जाएंगे, फिर बाहर के फीचर्स में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा एंटॉर्क लिखा हुआ आता है ये वाली साइड, और इसमें आपको सबसे ऊपर दिखा देता है स्पीड्स कि कितनी स्पीड लिमिट जा रहे हो आप, वो आपको पता ही है, बेसिक मॉडल में भी होता है, वो सब में होता है। इसके बाद आपको ODI दिखाता है कि कितने किलोमीटर चल चुकी है और कितने किलोमीटर ट्रिप मारी है आपने। वैसे मेरी गाड़ी चल चुकी है 3320 किलोमीटर। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं कि कितना फ्यूल टैंक है और कितने उसका एक डंडा दिखाता है आपको, एक लीटर का एक डंडा होता है, जैसे कि इसमें है आपके 5.8 का है इसका फ्यूल टैंक, तो एक अप्रोक्स 6 ही दिखाता है इसलिए, बाकी मेरे इसमें ये इतना है। अब आ जाते हैं याली डिस्प्ले पे, इस डिस्प्ले पे आपको ये दिखाता है कि इको में कितनी चलाई है आपने, पावर में कितनी चलाई है। पहले वाले मॉडल्स में सिर्फ इको और पावर वैसे ही दिखाता था लाइट और उससे, इसमें आपको वो भी दिखाता है कि कितने परसेंट इको में चली है, कितने परसेंट आपने पावर में चलाई है, और आप सेट भी कर सकते हो यहाँ पे कि आपने कितने कितना, मतलब जैसे आप यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से आपको कितने किलोमीटर जाना है, आपको जाना है जैसे कि 100 किलोमीटर, तो आप सेट कर सकते हो उस हिसाब से, आपको ये दिखाता है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये दिखाता है आपको यहाँ पे टाइम, और अप्रोक्स टाइम दिखाता है आपको अप्रोक्स, आपको कोई वो नहीं है कि आपने वो निकालना है फ़ोन बाहर और आपने देखना है, और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, आपको बैटरी शो करता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम इधर, दिखाता है आपको डेट आप देख सकते हो 23 जनवरी है और मंडे है, ये बिल्कुल अच्छे से शो कर रहा है। अब धीरे धीरे बन जाता है यहाँ पे, जैसे कि हम अभी ये दिख रहे होंगे आप लोग, बहुत ही हल्का दिख रहा होगा। अब मैं ऑन करके दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ये आपको हेडलाइट मिल जाती है, ये वाला इंडिकेटर मिल जाता है, मैं आपको जला के दिखाता हूँ, ये राइट साइड का इंडिकेटर मिल जाता है आपको। अब आते हैं लेफ्ट वाली साइड, ये लेफ्ट साइड आपको फिट इंडिकेटर मिल जाता है, बाकी मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा, और अगर मैं डीपर यूज़ करता हूँ तो ये देखो डीपर मिल जाता है आपको, ये ऑन करके दिखाया जाएगा, ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको डीपर का लाइट दिखा देते हैं कि हमने मतलब हेडलाइट हमने ऑन कर दी है, और हम यहाँ से डीपर भी मार सकते हैं, ये डीपर मार सकते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसको ऑफ करते हैं, बाकी बहुत अच्छी बात मैं आपको सबसे अच्छी बात दिखाता हूँ इसके बारे में, फ्यूल सेवर मोड के बारे में। तो मैंने ये ऑन किया, फ्यूल सेवर मोड यहाँ पे ऑन हो गया है, ये ए दिखाता है, ये फ्यूल सेवर मोड ऑन हो गया वन, और ये गाड़ी बंद हो जाएगी, बेस्ट। और आपको क्या करना है उसके बाद, ये बेस्ट फीचर है, ये दिख रहा है अप्लाई ब्रेक एंड थ्रोटल ब्लिप। अब आपने क्या करना है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने ब्रेक अप्लाई करना है, हल्का सा थ्रोटल देना है, और ये गाड़ी स्टार्ट। बहुत ही बेस्ट फीचर दिया है TVS ने ये, बहुत अच्छा एंटॉर्क के अंदर, क्योंकि इससे फ्यूल भी बहुत अच्छा सेव होता है, और ये गाड़ी भी मतलब अच्छे से वो वर्क करती है, आपको ये कोई दिक्कत नहीं, आपने गाड़ी की चाबी बंद करनी है, फिर ऑन करनी है, फिर आपने सेल्फ मारना है। तो हम फ्यूल सेवर मोड में दोबारा डालते हैं इसको, ये बंद जाते हैं, फिर आपको डिटेल्स के बारे में और बताता हूँ मैं ऑन करके। गाइस ये पेट्रोल का वो आता है, ये फ्यूल दिखाता है आपको कि अगर फ्यूल कम होगा, और ये आपको इंजन का दिखाता है। अभी ये मैं जब तक ऑन नहीं करूँगा तब तक ये आपको दिखाएगा, अगर आपको ये ऑन करने के बाद भी दिखाएगा तो आप लोग ये कंपनी में चेक करवा सकते हो, क्योंकि ये इंजन प्रॉब्लम का दिखाता है, अभी ये बैटरी का दिखा रहा है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, मैंने आपको इंडिकेटर दिखाया है, ये इंडिकेटर के बाद एक साइन आता है वार्निंग का साइन, और ये स्टैंड का, उसके बाद आपको स्टैंड का आता है स्टैंड। अभी जैसे मैंने ये स्टैंड, मैं आपको स्टैंड लगा के दिखाता हूँ गाइस। तो जैसे मैंने ये स्टैंड खोला है, अब ये स्टैंड का लोगो आ जाएगा यहाँ पे, तो जब तक मैं ऑन स्टैंड ऊपर नहीं करूँगा तब तक ये ऑन नहीं होगी, देख सकते हो आप, तब तक ये ऑन नहीं होगी।
स्टैंड ऊपर करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर ऑन होगी ये। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी। ये यहाँ पे डबल इंडिकेटर दिया है, ये देख सकते हो आप, दोनों इंडिकेटर चला सकते हो आप एक साथ, और बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका, बहुत अच्छा लुक आता है। देखो ये दोनों इंडिकेटर यहाँ चल रहे हैं, और आपको दिखाता हूँ मैं, ये दो इंडिकेटर यहाँ चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा फीचर दिया है ये, बहुत मुझे मैं जब भी राइड पे जाता हूँ तो ये ऑन करके जाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये सेल्फ़ का है आपको पता ही है, और इसमें वॉइस असिस्टेंट भी, अगर आप इसको देर तक प्रेस करके रखते हो, लॉन्ग प्रेस करते हो, तो सेल्फ़ का वो वॉइस असिस्टेंट वो आपको ऐड करने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके मोड्स के बारे में कि कितने मोड्स हैं इसमें। इसको ऑफ कर लेते हैं। तो गाइज मैं आपको मोड दिखाने वाला हूँ। स्ट्रीट मोड है एक इसमें, जिसमें ये है अभी, और एक स्पोर्ट्स मोड है, और रेसिंग वाला भी है, लैप्स वाला दिखाता हूँ आपको। गाइज ये स्पोर्ट्स मोड आ गया, आपको स्पोर्ट्स मोड में आपको बिल्कुल आपको राइडिंग वाली फील आने वाली है। यहाँ से आप जा सकते हो, ये बिल्कुल रेसिंग वाला। मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कैसे मीटर उठता है। देखो ये रेस दी मैंने, ये देखिए कैसे उठता है मीटर, बहुत पूरी फील देता है गाइज यहाँ से और यहाँ। तो गाइज मैंने स्पोर्ट्स मोड लगाया, जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे टाइम आ जाता है, ये ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी दिखा देता है आपको, और ये आपके डेट दिखा देता है स्पोर्ट्स मोड में, और रेस का पूरा ये दिखाता है 1, 2, 3, 4 कि कितने तक जा रही है रेस, कितनी बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा फीचर आता है, और यहाँ पे आपको टाइमर आ जाता है जो चेंज होता है यहाँ पे आपको टाइम आ जाता है। स्ट्रीट मोड में आपको आपने देखा था यहाँ पे कि वो दिखा रहा था ODI और टिप कितनी गई है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है टाइमर सेट हो जाता है कि कितने टाइम में आपने कितना किलोमीटर कवर किया है। ये बहुत अच्छा फीचर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बैटरी वोल्टेज दिखाता है आपको कि कितनी बैटरी वोल्टेज है, मेरी इतनी बैटरी वोल्टेज है। और अब आपका ये दिखाता है राइड लास्ट लैप्स, इसमें आपको दिखाता है कि आपने कितने से कितना वो किया था राइडिंग का। ये स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि ये टाइमर दिखा रहा है आपको, मैंने अभी कवर किया था 4 मिनट में और किलोमीटर कवर किया था मैंने, ऐसे दिखाता है आपको। और ये स्ट्रीट मोड अपना लग चुका है वापस, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया। अब यहाँ जाते हैं, ये वार्निंग का साइन आता है। तो गाइस ये वार्निंग का साइन आता है, और ये स्कूटी स्टैंड का आता है, स्कूटी स्टैंड का मैंने आपको बताया था। उसके बाद सबसे नीचे आता है पावर, इको यहाँ लिखा हुआ आता है, इको और पावर। इको पावर का मतलब है कि अगर आप 40 तक चलाओगे तो ये इको में चलेगी, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बनाएगा, अगर आप पावर में चलाओगे तो रेड आ जाएगा। स्कूटी स्टैंड ऊपर करते हैं, वो भी आपको चेक कराता हूँ। ये भी इको में है, रेड है। जैसे मैं स्पीड थ्रोटल दूंगा देखना गाइस, मैंने थ्रोटल दिया, पावर में गई, अभी मैंने थ्रोटल दिया, पावर में गई, ये देख सकते हो, ये देखो ये भी इसका बेस्ट फीचर है। ये दिखाता है आपको कितने तक कितने। अब मैं स्टैंड खोल दूंगा तो ये बंद हो जाएगी, स्कूटी स्टैंड का आ गया है। और ये मेन फीचर ये है यहाँ पे इसका, वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेशन। अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, ये हमने ये बना हुआ रखा है यहाँ पे, अगर हम इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं गाइज तो ये वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। वेदर का दिखाता है आपको, अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है तो आपको ये वेदर का दिखाता है यहाँ पे, कितना वेदर है, मैसेजेस दिखाता है, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप के मैसेज दिखाता है, नोटिफिकेशंस कितनी आई है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे कितनी आई है, फेसबुक पे कितनी आई है, ये दिखाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हैंड सर्विस बुक के बारे में, जो कि ये कंपनी की तरफ से आपको मिलती है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें बना डिटेल से, तो देखिए आप यहाँ ये आपको दिखाता है। बाकी ये फट चुकी है थोड़ी सी, ये सर्विस हैंड बुक है स्कूटर की, इसमें आपको ये दिखाता है, मतलब कॉन्टेंट वगैरह दिखाता है, नाम एड्रेस वगैरह। बाकी मेरी फिल नहीं हुई है, कॉज मैंने इसकी सर्विस, दो सर्विस मैं करवा चुका हूँ इसकी, पर फिल नहीं हुई है इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। वार्निंग दिखा देता है आपको, जो ये मैं दिखा रहा था आपको, ये वाला आता है वार्निंग का, सर्विस रिकॉर्ड शीट, बट मेरी फिल नहीं हुई है कॉज मैं 2 बार फिल करवाना भूल चुका हूँ। ये मेरी पहली सर्विस आप करवा सकते हो बिटवीन 500 किलोमीटर to 750, तो मैंने करवा ली थी इसकी, 800 पे करवाई थी, सॉरी मैंने इसकी पहली। बाकी मैं 2 सर्विस करवा चुका हूँ इसकी, उसके बाद दूसरी सर्विस मैंने, ये दूसरी सर्विस में दिखा दो, सेकंड सर्विस बिटवीन 2,500 to 3,000 किलोमीटर अप्रोक्स, मतलब 4 मंथ के बीच में चली जाती है इतनी गाइज। मैंने तो पहले ही ट्रिप में इतनी चला ली थी 800 किलोमीटर, तो उसके बाद मैंने पहली सर्विस कराई। थर्ड सर्विस आपकी आती है 5,000 से 6,000 किलोमीटर, या तो आठ महीने हो गया आपको गाड़ी लेके तो तब करवाना है, और बिटवीन फोर सर्विस आती है बिटवीन 8,500 to 9,000 के बीच में, या 12 महीने, मतलब 1 साल हो गया गाड़ी तो करवा सकते हो। उसके बाद आपको डिटेल्स आती है यहाँ पे,
मतलब चार सर्विस आपकी फ्री होती है ये यहाँ पे, तो ये बहुत काम की चीज़ है अगर आप देखोगे तो। उसके बाद लास्ट में आपको ये दिखाते हैं यहाँ पे इंजन ऑयल वगैरह है, ये TVS के इंजन ऑयल वगैरह के वो है। तो गाइज़ ये बहुत काम की चीज़ है, इससे मतलब बहुत काम की चीज़ है अगर आपको नॉलेज लेनी है तो, मतलब गाड़ी के बारे में कि किसी किसी को पता नहीं होता कि हमने मतलब कि कब सर्विस करवानी है, कितने पे सर्विस करवानी है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए। जिसने भी नई नई एंटॉक ली होगी उन लोगों को थोड़ी हेल्प मिल गई होगी कि सर्विस कितने से कितनी करवानी है और इसमें फ़ीचर्स कितने आते हैं। अगर लेना है आपको तो XT लें या बेस मॉडल लें या रेस एडिशन लें, जैसे भी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो। बाकी मैंने आपको रिव्यू दिखा दिया है स्पीडोमीटर का कि हमें क्या क्या मिलता है एंटॉर्क XT में। XT में नए फीचर्स हैं, XT का मतलब ही है एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। तो गाइज आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दोस्त के साथ मेरी वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस एंड लव।